27 साल बाद फैसला और 5 आरोपी आज तक के साथ है। हमारे साथ है महान धर्मदास, पवन पांडे जी हमारे साथ है, संतोष दुबे जी जो भी एक आरोपी है, कमलेश त्रिपाठी और गांधी यादव। पांचों आरोपी कोर्ट जाने से पहले आज तक से बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना है आपका, क्या आपको लगता है कि आज कोर्ट में क्या होने वाला है? बेकसूर साबित होंगे या दोषी? जो भी होगा हम उसके लिए तैयार है। श्री राम जन्मभूमि के लिए हमको मृत्यु दंड मिले तो हम उसके लिए तैयार है। चार चार गोलियां मार नहीं सकी हम, 17 हड्डियां टूटी थी उसके बाद भी बोल रहे हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। जेल होगी या बेल? अरे जेल हो जाए क्या, हर जाए क्या? मैंने अपराध किया? मैंने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है। महंत जी आप क्या कहेंगे, आप भी आरोपी हैं, क्या आपको लगता है कि सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हैं आप? सलाखों के पीछे तो भगवान के, हम लोग सलाखे के पीछे रहते हैं, भगवान के सलाखे के पीछे रहते हैं। भगवान जिसे कृपा करेंगे उसे होगा। अगर देखिए केस छोड़ देते हैं तो अच्छा है, और नहीं छोड़ते हैं तो उससे भी अच्छा है। क्यों अच्छा, उससे भी अच्छा? उससे अच्छा इसलिए है कि आपको अपना गलती महसूस होगा ना कि क्यों इन लोगों को फंसाया गया। काम कोई दूसरा करे अब दूसरा पावे। पवन पांडे जी आप क्या कहेंगे? देखिए अब तो फैसले की घड़ी है और हम लोगों ने बहुत सोच समझकर कार सेवा में शामिल हुए। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी बहकावे में आए। अब सिंधु परिषद बजरंग दल सबने बुलाया था, वो डिनाई कर रहे हैं। राम काज में अगर हम लोगों को कोई सजा भी होती है तो हम उसके लिए कोई इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जब मालिकाना हक हमको मिल गया है तो एक आक्रांता द्वारा बनाया गया ढांचा गिराना कोई पाप नहीं था। हमने आप अब उंगली विश्व हिंदू परिषद पर लगा रहे हैं, शिवसेना की रार हो गई अब विश्व हिंदू परिषद से, मामला जो है खटाई में पड़ गया। देखिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या किसी राजनीतिक दल से, हम लोग राजनीतिक दल को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। वहाँ जो लोग मंदिर निर्माण का ठेका लिए बैठे हैं, जिनका कभी लेना देना नहीं था, पीछे बस्ता ढोते थे। ये बताइए सजा के लिए तैयार है अगर कोर्ट कहता है कि आपने गुनाह किया है? सजा होगी तो हम उस सजा को भुगतेंगे, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे आप? उमा भारती कह रही है कि अगर जेल होती तो हम जेल में सजा काटेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सबको जब फांसी के तख्ता पर भी झूलना होगा तो गर्व के साथ झूलूंगा। और इतना ही नहीं, मैं पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहा हूँ, पूरे विश्व को संदेश दे रहा हूँ। एक तरफ जो नींव डाली गई है, राम मंदिर की नींव डाल दी गई है, दूसरी तरफ ये आपराधिक प्रक्रिया पर फैसला हो रहा है, क्या आपको मान्य होगा, क्या आपको लगता है कि कोर्ट आपको राहत देगा? बिल्कुल राहत देगा, जो फैसला होगा माना जाएगा। अगर आप कहिए आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, हाँ, तो आप पर उकसाने का और साजिश और षड्यंत्र रचने का आरोप है महंत जी। ये झूठ बोल रहे हैं सर, हम उकसाने के नहीं किए हैं, राम जी के इच्छा से उकसाने के हमारा षड्यंत्र नहीं है। हम तो वहाँ पर प्रत्यक्ष देख रहे थे कि हनुमान जी आकर के सभी के ऊपर बैठ करके तोड़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो आज सारा पर ईश्वरी खेला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। पवन पांडे जी भी वहीं पर है, सारा समाज भी वही है, लेकिन कोई कुछ नहीं। तो ये भगवान के काम है, भगवान जाने, भगवान के काम में जो भी निर्णय आता है उसके लिए मानना है। आ ये कहे कि भारतीय कानून के हिसाब से जो सजा आएगा वो भारत में रहते हैं, भारत के कानून में पलते पोसते हैं, इसलिए भारत के कानून को मानना भी है।